महोदय, भारतीय समाज की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े समाजों में होती है। आज भी समाज में मध्ययुगीन अवैज्ञानिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इन मान्यताओं के कारण बड़े पैमाने पर सामाजिक असमानता व्याप्त है। नियोजित विकास के पिछले 56 वर्षों में इस असमानता पर लगातार हमले किए गए। इन हमलों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। समाज में चेतना का जो स्तर होना चाहिए था वह विकसित नहीं हुआ। जिन मान्यताओं के विरुद्ध जन आक्रोश पनपना चाहिए था वे आज भी उपस्थित हैं। समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। इस पूरी स्थिति का एकमात्र कारण है इस देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का शिक्षा से वंचित होना। इसमें भी स्त्रियों का ज्ञान के आलोक से बाहर रहना आज की विषम स्थिति का सबसे बड़ा कारण है। निसंदेह स्त्रियां घर और परिवार की धुरी होती हैं। वे संतान की लालन पालन के दौरान ही उनके मानसिक क्षितिज का विकास करती हैं। पढ़ी लिखी माँ परिवार के अन्य सदस्यों व संतान को ऐसे संस्कार देगी जो आस्था से नहीं तर्क से निष्पण होंगे। ऐसी स्थिति में अवैज्ञानिक मान्यताएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगी। हमारे यहाँ स्त्रियों की शिक्षा विशेषतया बालिकाओं की एक राष्ट्रीय अभियान नहीं बन पाई। बहुत से अभिभावक आज भी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। उनका मानना है कि बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला पैसा संसाधनों की बर्बादी है, इसलिए वे बालिकाओं को स्कूल ना भेजने की या पढ़ाई अधूरी छुड़वा देने के तर्क अपनी सुविधा अनुसार देते हैं। कभी शिक्षण संस्थाओं का दूर होना, कभी बढ़ती हुई यौन हिंसा का सहारा लेकर वे बालिकाओं को अशिक्षा और अज्ञान के अंधकार में रहने को बाध्य करते हैं। मान लीजिए शिक्षण संस्थाएं दूर हैं, तो क्या यह संभव नहीं है कि समाज और समुदाय आसपास ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए दबाव बनाएं, जहां बालिकाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। वास्तव में समाज मन से स्त्री और पुरुष की बराबरी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उत्साही नहीं है। समाज यह अनुभव ही नहीं करता कि बालिकाओं की शिक्षा बेहतर समाज बनाने की एक अनिवार्यता है। तमाम प्रचार अभियानों के बावजूद बालिकाएं स्कूल नहीं आती हैं। पढ़ाई लिखाई के संसाधन उपलब्ध होते हुए भी सरकार इस महंगाई के लिए असामयिक वर्षा से फसलें खराब हो जाने की बात कह रही है और यह आशा कर रही है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से फसलें ठीक होंगी और चीज़ों के दाम घट जाएंगे।
महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप मुझे शिक्षित और सुसंस्कृत स्त्री शक्ति दो, मैं देश की किस्मत बदल दूंगा। क्या स्वामी जी का यह कथन महज एक हवाई आदर्श था? ऐसा नहीं है। स्वामी जी एक अनुभव कुशल व दूरदृष्टा राष्ट्रनायक थे। उन्हें स्त्री शक्ति की भली भांति पहचान थी। उनके कथन से यह बात पूरी तौर से आईने की तरह साफ है कि महिलाओं के शिक्षित और सुसंस्कृत होने से ही कोई समाज व देश सही मायने में विकास कर सकता है। विकास से जुड़े अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी महिला शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने का सबल आह्वान किया है। अब तक महिलाओं की समस्याओं को समझने, उनके निदान सुझाने व महिलाओं के जीवन में अपेक्षित सुधार लाने की दिशा में 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं तथा न जाने कितने राष्ट्रीय सम्मेलनों में महिला समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की जा चुकी है। महिलाओं को सामाजिक न्याय देने, उनका पिछड़ापन दूर करने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में कई समितियां, आयोग गठित किए जा चुके हैं। उनकी रपटें भी सामने आ चुकी हैं, परंतु निष्कर्ष वही ढाक के 3 पात। कुछ एक सुविधा संपन्न महिलाओं को छोड़कर आम महिला जीवन आज भी रूढ़िवादी परंपराओं से संघर्ष कर रहा है। 56 वर्षों की स्वतंत्रता के सफर में आम महिला ने पाया कम, खोया अधिक। उसकी अस्मिता आज भी सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज़ आज भी अनसुनी कर दी जाती है। उसमें आत्मसम्मान व स्वाभिमान आज भी नहीं जागा है। वह आज भी दबी कुचली है। वह समानता पाने के लिए आज भी तड़प रही है। इन सभी समस्याओं की जड़ में उसकी अशिक्षा ही है। 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं हम। अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना चुके हैं हम। वर्तमान शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व आवास जैसे सुनहरे सपने साकार करना चाहते हैं, परंतु आधी जनसंख्या को नज़रअंदाज कर सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है। यदि सबको शिक्षा देने का सपना साकार हो सका तो दूसरे सपने साकार करना सरल होगा, परंतु महिला शिक्षा से जुड़े कुछ यक्ष प्रश्न हमारे सामने पहले भी थे और आज भी लगभग पूर्ववत हैं, जिनके सही उत्तर खोजने हुए होंगे। तदनुसार ही हमें अपनी ठोस विकास नीति बनानी होगी। उसके बाद से जब तब आयोजन की बात करना एक तरह का फैशन बन गया है। सीमित कार्य क्षेत्र में आयोजन की बात करना आसान है। स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी चीज़ों के लिए